हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज के बायोग्राफिक वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा जी की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा आज की दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं। काफ़ी लोग बिजनेस में रतन टाटा को अपना आइडल भी मानते हैं। इन्होंने अपनी नॉलेज और बिजनेस करने के अंदाज से पूरी दुनिया में कई लोगों को इम्प्रेस किया है। और आज के बायोग्राफिक वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा की। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको रतन टाटा पसंद है तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है, बाय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का फुल नेम रतन नवल टाटा है और इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था और 7 दिसंबर 2020 को वे 80 साल के हो चुके हैं। रतन टाटा ने अपनी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद वे US चले गए, जहाँ उन्होंने बाकी की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पूरी की और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी US से आर्किटेक्चर फील्ड से किया तथा रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपना करियर आर्किटेक्चर फील्ड में बनाना चाहा, लेकिन एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते थे। इस कारण एक दिन उनके पिताजी ने उनको समझाया कि वो अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे लेके जाए, और साथ ही अपने पैशन को देखते हुए रतन टाटा ने 1975 में हार्वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसी के साथ अब बात करते हैं रतन टाटा के करियर के बारे में। रतन टाटा पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें IBM जैसी बड़ी कंपनियों से ऑफर आए थे, और IBM एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें इस कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब की ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उस वक्त वे मन बना चुके थे कि वे एक बिजनेसमैन बनेंगे। और 1961 में रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब की शुरुआत की टाटा स्टील से। यहाँ पर वे प्लास्टर ऑफ पेरिस और पत्थरों की सप्लाई को मैनेज किया करते थे। टाटा स्टील में काम करने के बाद रतन टाटा ने हर कंपनी में कोई ना कोई डिफरेंट जॉब की, और उसकी वजह यह थी कि वे अपने बिजनेस को पूरी तरीके से समझना चाहते थे। बिजनेस की अच्छी नॉलेज पाने के बाद रतन टाटा को टाटा कंपनी के मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की TV और रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई, और यह कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। और 1971 से लेकर 1974 तक रतन टाटा ने इस पर दिलो जान से मेहनत की और इस कंपनी को सिर्फ 4 सालों में मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन कुछ इश्यू के कारण इस कंपनी को बंद करना पड़ा, और यह रतन टाटा की जिंदगी का पहला फेलियर था। लेकिन इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसके बाद रतन टाटा ने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी सफलता न मिल सकी और यह कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया, और अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज हासिल कर ली थी कि 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गई और भारत और फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी कंपनी को फैलाते गए। और बस रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% तक का मुनाफा होने लगा, और यहां से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना सफ़र शुरू किया। और काफ़ी साल टाटा कंपनी में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर्स, लैंड रोवर, जैगुआर, टाटा टी, टेटली टी और टाटा स्टील तथा साथ ही कॉरस जैसी कंपनियाँ भी शामिल थी जिसको रतन टाटा ने खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब टाटा मोटर्स को घाटा हो रहा था, और इन्होंने टाटा मोटर्स को सेल करने का फैसला किया, और इसी कारण इन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ टाटा मोटर्स की मीटिंग की। और इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बहुत हताश किया और कहा कि अगर आपको कार बनानी नहीं आती है, आपने इस कंपनी को प्लान ही क्यों किया, और कहा कि और साथ ही यह भी कहा कि वे कंपनी को खरीदकर रतन टाटा पर एहसान कर रहे हैं। और इतनी सारी बातें करने के बाद रतन टाटा वहां से उठकर चले गए और डील कैंसिल करने का फैसला किया, तथा इतनी बातें सुनने के बाद रतन टाटा ने यह फैसला किया कि वह टाटा मोटर्स को मार्केट में एक सक्सेसफुल बनाकर दिखाएंगे। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को उन ऊँचाइयों तक पहुँचाया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, और टाटा कार आज भारत में सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाली कार है। रतन टाटा ने काफ़ी सारी जानी मानी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की हुई है। 2015 में उन्होंने जानी मानी चाइनीज़ कंपनी शाओमी और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनरशिप की थी, और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। इसी के साथ अब बात करते हैं रतन टाटा के अवार्ड के बारे में। रतन टाटा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और CNN IBN इंडियन बिजनेस अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही अब आपको मिलवाते हैं रतन टाटा की फैमिली से। रतन टाटा के पिताजी का नाम नवल टाटा है तथा उनकी माताजी का नाम सोनी टाटा है। इनका एक भाई भी है जिनका नाम नोएल टाटा है, और इन फोटोज़ में आप उनकी फैमिली को देख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रतन टाटा की इनकम की। इनकी ज़्यादातर इनकम कंपनी से होती है। रतन टाटा ने अभी तक 30 कंपनीज को खरीद रखा है और इनकी सारी कमाई कंपनी से ही आती है। सबसे ज़्यादा कमाई जिस कंपनी से आती है वो है टाटा स्टील लिमिटेड। इस कंपनी से रतन टाटा की हर महीने की 1,60,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है और इस कंपनी में टोटल 32,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड रतन टाटा का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है और इस कंपनी से दुनिया में अमीर और गरीब सब एक बन गए थे और टाटा मोटर्स वर्ल्ड वाइड 155 कंट्रीज में कार सप्लाई करता है। और इस कंपनी में रतन टाटा की हर महीने 2,90,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इस कंपनी में टोटल 80,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और दोस्तों ऐसे में रतन टाटा की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं और उनकी अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन सबको वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रतन टाटा के नेटवर्थ की। इसमें इनकी नेटवर्थ 17,910 करोड़ रुपए है। और अब बात करते हैं रतन टाटा के घर की। रतन टाटा अपने फैमिली के साथ मुंबई के कोलाबा में रहते हैं और वे साउथ मुंबई का सबसे महंगा एरिया है। उनके घर की प्राइस लगभग 150 करोड़ रुपए अनुमानित की जाती है और उनके घर की प्राइस 150 करोड़ रुपए अनुमानित की जाती है। उनके घर में होटल और उनके घर में टोटल 7 फ्लोर है जिसमें जिम, मीडिया रूम और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रतन टाटा के नेटवर्थ की। उनकी नेटवर्थ 17,910 करोड़ रुपए है। और अब बात करते हैं रतन टाटा के घर की। रतन टाटा अपनी फैमिली के साथ मुंबई के कोलाबा में रहते हैं और यह साउथ मुंबई का सबसे महंगा एरिया। उनके घर की प्राइस लगभग 1.5 करोड़ रुपये अनुमानित की जाती है। उनके घर में टोटल 7 फ्लोर है जिसमें मीडिया रूम, जिम रूम और स्विमिंग पूल जैसी सुख सुविधाएं हैं। और इन फोटो और वीडियो के जरिए आप उनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। और अब चलिए अब बात करते हैं रतन टाटा की कार की। कारों के कलेक्शन में रतन टाटा के पास सबसे महंगी फरारी कैलिफोर्निया कार है जिसकी प्राइस 4 करोड़ रुपए अनुमानित की जाती है। और उससे भी महंगी जो कार है उसका नाम है गोल्ड नैनो जो उनकी खुद की कंपनी है उसमें प्रोडक्शित है। और उन कार को में पूरी बॉडी स्पेशल गोल्ड से बनाई गई और इस कार की बॉडी स्पेशल गोल्ड से बनाई गई है। डालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ ले यार, जिंदगी में कुछ कर ले। हैं बाय।